मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो लास्ट क्लास में अपन ने एक्साइटेशन पोटेंशियल पढ़ लिया था और उसके न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, एक नया क्वेश्चन, नया टॉपिक सॉरी, वो है सेपरेशन एनर्जी यानी कि पृथक्करण एनर्जी। ठीक है, पृथक्करण ऊर्जा, सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं ऐसी। ठीक है, क्या होती है द रिक्वायर्ड एनर्जी टू कैरी या टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू इन्फिनिटी, टू इन्फिनिटी कॉल्ड सेपरेशन एनर्जी। ठीक, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन को किसी भी उत्तेजित अवस्था से, इलेक्ट्रॉन को किसी भी उत्तेजित अवस्था से अनंत तक हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को पृथक्करण ऊर्जा कहते हैं। ठीक, द रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन को आप हटाओगे तो कहां से हटाओगे? ग्राउंड स्टेट से नहीं हटाना, हमें हटाना एक्साइटेड स्टेट से, उत्तेजित अवस्था से। और कहां पे ले जाना है फाइनली इलेक्ट्रॉन? कहां पे जाएगा बेटा? इनफाइनाइट पे जाएगा, यानी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट, क्लियर? तो देखो, यहां पर जैसे अपन बात करें, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, ठीक है, तो मीनिंग क्या हो जाएगा फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी का? यानी इलेक्ट्रॉन, देखो, फर्स्ट SE बराबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से। तो मैं यहां पे लैंग्वेज में लिख देता हूं, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी मींस मींस फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी मींस इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और आप जानते हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर है? एन बराबर टू में है। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट एस ई बराबर हो जाएगा ई फाइनल माइनस ए इन्फिनिटी। तो फाइनली तो इलेक्ट्रॉन कहां गया? ई फाइनल माइनस ई
इनिशियल, और स्टार्ट कहां से हुआ? ए टू से हुआ, तो ये फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो प्रथम पृथक्करण ऊर्जा का अर्थ है इलेक्ट्रॉन प्रथम उत्तेजित अवस्था से हटाया जाएगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा? प्रथम उत्तेजित अवस्था से। ठीक, ऐसे अगर मैं बात करूं, जरा सोच के बताना, सेकंड सेपरेशन एनर्जी की बात करें अपन, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मीन्स इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम, यहां पर क्या आ जाएगा? सेकंड ईएस, और सेकंड ईएस का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर है? एन बराबर थ्री में है, तो यहां पर सेकंड सेपरेशन एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? फाइनली इलेक्ट्रॉन जाता कहां पे? अनंत में जा रहा है वहां से हट करके, तो ए इन्फिनिटी माइनस कहां से गया? सेकंड ई एस, यानी कि एन बराबर थ्री से, तो ई थ्री हो गया। ठीक है, ऐसे अगर मैं थर्ड वाला लिखना चाहूं सिमिलरली, तो थर्ड यानी तृतीय पृथक्करण ऊर्जा सेपरेशन एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? ठीक, समझ में आ गया। अब आगे अपन बात करें, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, बहुत छोटा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस वगैरह नेट वगैरह जो भी बच्चे देंगे उसमें इसका कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, क्वेश्चन आया, जैसे मान लीजिए बी प्लस थ्री में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की तीसरी पृथक्करण ऊर्जा ऊर्जा ज्ञात करो। ठीक है, कैलकुलेट थर्ड सेपरेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम प्लस थ्री। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो। ठीक, अब देखो, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? बेरिलियम। ठीक, बेरिलियम के लिए Z बराबर क्या होता है बताइए? 4, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। अब थर्ड सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा? थर्ड Se बराबर इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? फाइनली इंफिनिटी में, है ना? और कहां से जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, जाएगा तो सभी में लास्ट में इंफिनिटी में जाएगा, मगर कहां से जाएगा? तो थर्ड सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होगा तो कहां पे होगा? ई फोर में। अब ई इंफिनिटी तो कितना होता है? जीरो होता है, आप सभी को पता है। ई फोर आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसके लिए? बेरिलियम के लिए। तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन यानी कि कौन से इसमें है इलेक्ट्रॉन आपका? फोर्थ नंबर के ऑर्बिट में है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक भाई, ई फोर ही तो निकालना है, ई फोर का मतलब एन बराबर 4 और जेड बराबर भी क्या, तो 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया ये 13.6 माइनस 13.6, तो ये माइनस और ये माइनस 13.6, तो आ गया प्लस 13.6, आंसर आ गया आपका। ठीक, और यूनिट क्या होगी आंसर की? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, ये आंसर हो गया।
इस तरीके से अपन सेपरेशन एनर्जी का क्वेश्चन कर देंगे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है, लॉजिक ये है कि ये समझना आपको कि थर्ड सेपरेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, ठीक है, ये आपको समझना है। ये समझने के बाद ये चीजें आप पहले पढ़ चुके हो, निकालना आता आपको, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपन नया टॉपिक की बात करते हैं, नए नए टॉपिक आगे अपन पढ़ते जा रहे हैं, लास्ट आगे अब चैप्टर का, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। ठीक, अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन वेव एंड पार्टिकल। कण और तरंग, कण और तरंग में अंतर बताइए। तो देखो बच्चों, आगे चल के अपन पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें प्रकाश का दो तरह का व्यवहार देखने को मिलेगा अपन को, कण और तरंग की तरह, जिससे अपन डबल ड्यूअल नेचर कहते हैं या द्वैत प्रकृति कहते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है, पढ़ते हैं आगे। तो उसकी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में आपको पूरी मिल जाएगी, उसके लिए ये एक टॉपिक है, उस टॉपिक को मैं क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके अगर अभी हाफ ईयरली एग्जाम होता, हालांकि इस साल नहीं हो रहा है, तो इस हाफ ईयरली एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन आता है 11th क्लास के अंदर, ठीक है, बट इन फ्यूचर भी इस क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कण और तरंग में क्या अंतर होता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन वेव एंड पार्टिकल। देखो बच्चों, पार्टिकल क्या है, जैसे मान लो मैंने ये डॉट 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 ये साइन बना लिया, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं जो, उन्हें अपन क्या कह सकते हैं, पार्टिकल। और वेव कैसे दिखती है, ऐसे दिखती है, सभी जानते हो वेव को हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट इस तरह से आप टेबल बना लीजिए, कण यानी कि पार्टिकल और तरंग यानी कि वेव। पहले पॉइंट की अपन बात करें तो कणों का निश्चित द्रव्यमान होता है, ठीक है, पार्टिकल्स हैव डेफिनेट मास, डेफिनेट मास, ठीक है। कणों का, हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज आप साथ के साथ लिख लें, कणों का निश्चित द्रव्यमान होता है, ठीक, इट्स एनर्जी गिवन बाय, इनकी ऊर्जा आइंस्टीन समीकरण द्वारा दी जाती है, इट्स एनर्जी गिवन बाय आइंस्टीन इक्वेशन। और आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है बच्चों, देखो ई बराबर एम सी स्क्वायर, स्टार्टिंग में पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो कणों का निश्चित द्रव्यमान होता है और इनकी ऊर्जा आइंस्टीन समीकरण के द्वारा दी जाती है, ए बराबर एम से स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। अब आते हैं वेव के बारे में, पहला पॉइंट, वेव्स आर मासलेस, या यूं बोल सकते हैं अपन, वेव्स
डू नॉट हैव मास। तरंगे द्रव्यमान हीन होती है, क्या होती है? द्रव्यमान हीन होती है, ठीक है, यानी इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। और इनकी ऊर्जा, इट्स एनर्जी, इनकी ऊर्जा प्लैंक क्वांटम सिद्धांत द्वारा दी जाती है। इट्स एनर्जी गिवन बाय प्लैंक्स क्वांटम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है, और वो होता है आपका प्लैंक क्वांटम प्रिंसिपल, आप जानते हो E बराबर एच न्यू होता है, ठीक, क्लियर। दूसरे पॉइंट की बात करें अपन, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स आर लेस देन लाइट। जो कणों का वेग होता है वो प्रकाश के वेग से कम होता है, हमेशा ध्यान रखना। जब कण प्रकाश के वेग से गति करने लग जाते हैं तो वो तरंग की तरह दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो कणों का वेग क्या होता है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, कणों का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है, ठीक। इसमें लिखेंगे वेव्स मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। तरंगे प्रकाश की गति से, या तरंगे प्रकाश के वेग से गति करती है। मतलब प्रकाश का वेग कितना होता है, बताया था आपको C बराबर 3×10⁸ मीटर पर सेकंड बताया था आपको, ठीक है। तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, ट्रेवल करती है, कौन? वेव, ठीक है, यानी इनका जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक। थर्ड पॉइंट के लिए मैं वापस, स्पेस कम है तो फर्स्ट पॉइंट को मिटा रहा हूं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है आपका कण के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकल मूवमेंट, ठीक है। वेव्स ऑल्सो ट्रैवल इन वैक्यूम, यानी यहां पर कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, निर्वात में भी तरंगे गति करती है। तो तीसरा पॉइंट इनमें लिख लेंगे, तरंगे निर्वात में भी गति कर सकती है या करती है। फोर्थ, पार्टिकल्स ऑक्यूपाइड स्पेस। कोई भी कण है नेचर के अंदर, कोई भी पार्टिकल है, कण कोई स्थान घेरता है, ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, कण स्थान घेरते हैं, और जिस स्थान को एक कण ने घेर लिया उसे कोई दूसरा कण नहीं घेर सकता। मीन्स वंस पार्टिकल ऑक्यूपाइज अ पर्टिकुलर स्पेस देन इट इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय अनदर,
पार्टिकल। जैसे मान लीजिए मैं एक पार्टिकल हूं, तो मैं यहां पे खड़ा हूं, तो जिस स्पेस को मैंने ऑक्यूपाई कर रखा है, कवर कर रखा है, उस स्पेस को कोई दूसरा तो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता जब तक मैं यहां पे खड़ा हूं। तो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अपन देखें तो जितने भी पार्टिकल हैं वो सब अपना अपना स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं, चाहे वो डस्ट का पार्टिकल है, चाहे वो एयर का पार्टिकल है, कुछ भी हो। बट जो वेव्स होती है उनके साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। वेव्स एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करती है वो, ठीक है। तो जबकि वेव्स में लिखना, जबकि एक स्थान पर एक समय में एक से अधिक तरंगे हो सकती है। हिंदी में लिखना आप, पहले हिंदी मीडियम वाले लिख लो, फोर्थ पॉइंट, तरंग में। जबकि जबकि एक स्थान पर एक समय पर एक से अधिक तरंगे हो सकती है, और इंग्लिश में लिख लेना आप, वेव्स डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। यानी ये स्थान नहीं करते, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस थे हमारे पास पार्टिकल्स में और वेव में। एक बार और बात कर लेते अपन। देखो सबसे बड़ी बड़ी बात क्या है, पार्टिकल क्या होता है, जिसका फिक्स मास होता है, डेफिनेट मास होता है। वेव्स होती है उनमें कोई मास नहीं होता है, ठीक। वेव्स स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करती है, पार्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वेव वैक्यूम में यानी निर्वात में, जहां मीडियम की आवश्यकता नहीं है वहां भी कर सकती ट्रैवल। पार्टिकल को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है। पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होती है, और वेव्स की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे। तो यहां पे अपन इस क्लास को एंड करते हैं, अगली क्लास में अपन और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।